ताइवानी राष्ट्रपति अमेरिकी दौरे से बौखलाए चीन ने किन दो संस्थाओं को बैन किया। ताइवान सीमा के पास चीन वॉर्ड्रिल से तनाव बढ़ गया है और सीरिया के हमले का कैसे इसराइल ने बदला लिया। दुनिया के कई मोर्चों पर जंग जैसे हालात और तनाव से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए आप देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9। ताइवानी राष्ट्रपति साई इंग वेन के अमेरिकी दौरे से बौखलाए चीन ने अमेरिका के दो संस्थाएं यूएस थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट और रीगन लाइब्रेरी पर बैन लगाने का ऐलान किया है। दोनों संस्थाओं ने वेन की मेजबानी की थी। दौरे में वेन ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केविन मैकार्थी से भी मुलाकात की थी। ताइवान की सीमा के करीब चीन की सेना पिछले दो दिनों से वॉर्ड्रिल कर रही है। चीन के वॉर्ड्रिल से तनाव चरम पर पहुंच गया है। ताइवान की सीमा से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर चीनी सेना युद्धाभ्यास कर रही है। चीन की वॉर्ड्रिल में जंगी जहाज और फाइटर जेट भी शामिल है। ये वॉर्ड्रिल 10 अप्रैल तक चलेगा। चीन की चुनौतियों का जवाब देने के लिए ताइवान भी पूरी तरह से तैयार है। चीन के युद्धाभ्यास पर ताइवान की कड़ी नजर है। चीनी हरकत पर नजर रखने के लिए ताइवानी नौसेना की हाईफील्ड ब्रिगेड हुई रवाना। बॉर्डर की ओर उड़ान भरते नजर आए। ताइवान ने पिंगई हाईवे पर भी एंटी शिप मिसाइल तैनात किया है। ताइवान और चीन के बीच बढ़ते तनाव को लेकर अमेरिका ने भी बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी सांसद की विदेश मामले की कमेटी के चेयरमैन माइकल मैकल ने फॉक्स न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि चीन से खतरा बढ़ा तो अमेरिका ताइवान में अपनी सेना को भेजने के लिए तैयार है। यूक्रेन जंग के बीच नाटो का सदस्य लातविया को भी रूस से खतरा लग रहा है। रूसी खतरे को देखते हुए लातविया में युवाओं के लिए मिलिट्री सर्विस जरूरी कर दी गई है। सरकार के इस फैसले का विरोध हो रहा है। हर साल 7,500 नागरिकों को सेना में शामिल करने का लक्ष्य तय किया गया है। वर्ल्ड वॉर की आशंकाओं के बीच ब्लैक सी में रूसी सेना का बड़ा मूवमेंट नजर आया है। ब्लैक सी में रूस के 7 युद्धपोत रेडी टू अटैक मोड में है। ब्लैक सी में कैलिबर क्रूज मिसाइलों से लैस रूसी शिप किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान और लेबनान से इसराइल के टकराव के बीच मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका ने मिडल ईस्ट में न्यूक्लियर सबमरीन यूएसएस फ्लोरिडा को तैनात कर दिया है। मिस्र के स्वेज कनाल के पास यूएस के बहरीन बेस की 5वीं फ्लीट के साथ न्यूक्लियर सबमरीन को तैनात किया गया है। सीरिया में ईरान समर्थित आतंकी संगठनों के ठिकानों पर इजरायली हमले के जवाब में सीरिया ने भी इजरायल पर 3 रॉकेट दागे। इस हमले में कुछ नुकसान होने की खबर है। इस हमले के जवाब में इजरायल ने भी सीरिया पर ताबड़तोड़ हमले किए जिसमें कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। यूक्रेन जंग के बीच रूसी फौज का कई देशों के साथ ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल करने का अभियान भी जारी है। रूस और तजाकिस्तान की सेनाएं इन दिनों ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल कर रही हैं। इस ड्रिल में 1200 से ज्यादा जवान शामिल हैं। इस ड्रिल के जरिए दोनों देश अपनी सैन्य ताकत और युद्ध के हालात में अपनी तैयारियों को परख रहे हैं।